हे गाइस, वेलकम बैक। सो आज की वीडियो में हम मोशन पढ़ने वाले हैं। तो बिना टाइम वेस्ट किए हम स्टार्ट करते हैं। तो हम लोग आ चुके हैं स्क्रीन के ऊपर। ठीक है गाइस, तो मोशन की मीनिंग कहती क्या है? तो मोशन की मीनिंग कहती है, अ बॉडी इज सेड टू बी इन मोशन व्हेन इट चेंजेस इट पोजीशन विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। मतलब कि एक बॉडी को हम तब मोशन में कहेंगे जब वो अपनी जगह को टाइम के अनुसार वो बदल रही है, टाइम के अनुसार वो बदलेगी। जैसे कि मैं यहाँ पे देखिए, मैं यहाँ पे था 1 PM पे। मैं कहाँ पे था? 1 PM पे इस जगह पे था मैं। फिर मैं 2 PM पे, मैं यहाँ पे, यहाँ से यहाँ मैंने 2 किलोमीटर चले। तो यहाँ पे हमें पता चला कि ये मोशन है। मैंने 2 किलोमीटर तक मोशन चला। बट अगर मैं वहीं पे मैं खड़ा रहता, देखिए जैसे 1 PM पे मैं यहीं पे था एंड 2 PM पे भी मैं यहीं पे था। तो यहाँ मैंने कुछ, यानी कुछ भी ट्रैवल नहीं किया। यहाँ मैं 0 किलोमीटर चला, 0 किलोमीटर, 0 मीटर। ठीक है, यानी मैं बिल्कुल चला ही नहीं। तब हम इसे कहेंगे रेस्ट। रेस्ट क्या कहेंगे? रेस्ट। इसकी मीनिंग भी क्या कहती है? अ बॉडी इज सेड टू बी इन रेस्ट व्हेन इट डज नॉट चेंजेस इट्स पोजीशन विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। मतलब एक बॉडी को तब हम रेस्ट में बोलेंगे जब वो अपने पोजीशन को टाइम के अनुसार नहीं बदल रही है। फिर टाइप्स ऑफ मोशन, ये रहे टाइप्स ऑफ मोशन। तो आप सोचेंगे कि बहुत सारे टाइप्स ऑफ मोशन है, लेकिन हमें हम केवल 6 टाइप ऑफ मोशंस इस चैप्टर के अंदर पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो बिना टाइम वेस्ट के हम टाइप्स ऑफ मोशन स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट है हमारे पास रेक्टिलाइनर मोशन। तो इसको करते हैं। तो रेक्टिलाइनर मोशन होता क्या है? तो मोशन इन अ स्ट्रेट पाथ विदाउट एनी कर्व इन द वे इज कॉल्ड रेक्टिलाइनर मोशन। इसका एग्जांपल क्या है? इसके एग्जाम्पल्स हैं आपके स्प्रिंटर्स जो रेस में होते हैं, जो भागते हैं उन्हें हम स्प्रिंटर्स कहते हैं। नहीं तो आप ये रेसिंग कार्स का एग्जाम्पल ले लीजिए ना। ये जो रेसिंग कार है यहाँ पे, ये स्ट्रेट पाथ में, फुल स्ट्रेट पाथ में जा रही है विदाउट एनी कर्व के। ठीक है, तब हम इसे कहेंगे एज अ रेक्टिलाइनर मोशन। ठीक है, देखिए सीधी जा रही है, एज ना कि ऐसे ऐसे। ठीक है गाइस, तो फिर अब हम चलते हैं। नेक्स्ट मोशन है हमारा सर्कुलर मोशन। तो सर्कुलर मोशन पे चलते हैं। तो मोशन अराउंड द सर्कुलर पाथ इज कॉल्ड सर्कुलर मोशन। एक मोशन है एक सर्कुलर पाथ के अंदर, तब हम उसे कहेंगे एज अ सर्कुलर मोशन। ऐसे एक सर्कुलर के अंदर है। ठीक है गाइस, इस टाइप की किसी सर्कुलर पाथ में वो जब चलती है तब इस मोशन को हम कहते हैं एज अ सर्कुलर मोशन। एंड इनके एग्जांपल है रोटेशन ऑफ मून अराउंड अर्थ। जो देखिए ये अर्थ, देखिए ये यहाँ पे, देखिए हाँ, ये जो अर्थ के मून जो है, ये अर्थ का रोटेशन लगा रहा है। तो ये एक सर्कुलर फिक्स्ड पाथ पे, सर्कुलर पाथ पे, तब हम इसे कहेंगे एज अ सर्कुलर मोशन। ठीक है गाइस। फिर पीरियोडिक मोशन। तो इसका मतलब क्या है? मोशन विच रिपीट इटसेल्फ आफ्टर रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम। इसको हटाइए गिटार को साइड में। हाँ, ये एक रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम के अनुसार ये रिपीट होते रहता है, जैसे कि स्ट्रिंग ऑफ ए गिटार। तो देखिए ये जो गिटार है, इसमें इसमें देखिए कुछ इस टाइप की स्ट्रिंग्स बनी होंगी। कैसी स्ट्रिंग्स? यहाँ पे कुछ स्ट्रिंग्स होंगी। कैसी? ऐसी 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 स्ट्रिंग्स होंगी। आप जब हिलाएंगे तो ये ऐसे ऐसे होंगी एंड फिर दोबारा रुक जाएंगी, फिर ऐसे ऐसे होगी रुक जाएगी, फिर ऐसे ऐसे होगी रुक जाएगी। तब हम इसे कह देंगे ऐसा, क्या ऐसा कहेंगे हम इसे, ऐसा पीरियोडिक मोशन। ठीक है गाइस,
नेक्स्ट मोशन पे चलते हैं, नेक्स्ट टाइप ऑफ मोशन क्या, रोटेशनल मोशन। तो मोशन इन विच बॉडी इज टर्निंग अराउंड इट्स एक्सिस, वो अपने ही एक्सिस पे घूमती है, तब हम इसे कहेंगे एज अ रोटेशनल मोशन। इसका एग्जांपल क्या है, व्हील ऑफ ए कार। तो देखिए जैसे ये कार है, ये कार है, इसके यहाँ पे पहिए हैं, ये कार है यहाँ पे पहिए हैं। अब इसके पहिए को मैं यहाँ बनाता हूँ, तो देखिए इसका पहिया मैंने यहाँ पे बना दिया। अब इसका पहिया तो अपने खुद के एक्सिस पे घूमेगा ना, यहाँ खुद के ये एक्सिस पे रोटेट होएगा, रोटेट अपने किस पे होगा, खुद के एक्सिस पे, तब हम इसे कहेंगे एज अ रोटेशनल मोशन। ठीक है गाइस। फिर है आपका यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन। तो ठीक है, तो यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है, इसका मतलब होता है एन ऑब्जेक्ट विच कवर्स इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। मतलब कि ये ऐसा मोशन है जिसके अंदर एक ऑब्जेक्ट जो है इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम के अंदर इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल कर रहे हैं। जैसे कि यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मैंने आपको एग्जाम्पल दिया है। एग्जाम्पल क्या है, ए कार मूविंग अलोंग ए स्ट्रेट पाथ सच दैट इट कवर्स इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल टाइम। तो देखिए ये जो कार है यहाँ पे, ये कार पहले 15 किलोमीटर 10 मिनट में चली, फिर दूसरे 15 किलोमीटर 10 मिनट में, फिर तीसरे 15 किलोमीटर 10 मिनट में। तो यहाँ देखिए टाइम एंड डिस्टेंस क्या है, टाइम एंड डिस्टेंस बोथ आर टाइम एंड डिस्टेंस बोथ आर सेम। क्या है यहाँ पे, बोथ आर सेम, टाइम एंड डिस्टेंस आर बोथ आर सेम। ठीक है, टाइम और डिस्टेंस इस मोशन के अंदर हमारे क्या होते हैं, सेम होते हैं। क्या होते हैं, सेम सेम होते हैं, ये याद रखनी है। यानी टाइम अगर 10 मिनट है तो वो 10 मिनट में ही के इंटरवल में ही चलेगी, अगर अगर 15 किलोमीटर है तो 15 किलोमीटर में ही चलेगी, यानी उसकी स्पीड कांस्टेंट रहती है। बट नॉन यूनिफॉर्म के अंदर उसका उल्टा होता है। इसमें क्या होता है, इफ एन ऑब्जेक्ट कवर्स अनइक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, मतलब कि वो अनइक्वल डिस्टेंस को इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम के अंदर कर रहा है। इसका एक कैसा एग्जांपल है, अ कार मूविंग अलोंग अ स्ट्रेट पाथ सच दैट इट कवर्स अनइक्वल डिस्टेंस इन इक्वल टाइम। जैसे कि ये यहाँ पे देखिए कार है, उसने पहले 10 मिनट में 5 किलोमीटर चले, फिर अगले 10 मिनट में 15 किलोमीटर, अगले 10 मिनट में 4 किलोमीटर, एंड फिर यहाँ पे अगले दस फिर उसके बाद यहाँ पे अगले 10 मिनट में 2 किलोमीटर चले। तो यहाँ पे हमें पता चला कि स्पीड घट रही है बढ़ रही है, कैसी हो रही है, उसकी स्पीड घट रही है बढ़ रही है। ठीक है, ऐसे उसकी स्पीड हो रही है। बस तो आज के लिए बस इतना ही गाइस, हम लोग मिलेंगे आपको नेक्स्ट वीडियो में। एंड अगली वीडियो में जो है हम लोग बहुत सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस करने वाले हैं, तो आप अपने इसको रिवाइज करते रहिएगा ताकि कि नेक्स्ट वीडियो में आपको मदद मिल सके क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए। तो गाइस आज के लिए बस इतना ही, हम लोग मिलेंगे आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद जय भारत।